नोटबंदी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी और अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कालाधन घोषित करने वाले गुजरात के कारोबारी महेश शाह के साथ उनके संबंध होने की बात कही है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि अमित शाह के खाते में 5 करोड़ रुपए जमा हुए, ऐसे में उनके खाते की जाँच क्यों नहीं की गयी। उन्होंने शाह के साथ साथ बीजेपी के कई और नेताओं के खातों की जाँच की भी मांग की है। सुरजेवाला ने नोटबंदी के बाद लोगों को हो रही तकलीफों का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रामचंद्र कह गए सियासी, ऐसा कलयुग आएगा मेहनत कश खड़ा होगा लाइन में और बेईमान का कर्ज चुकाएगा। साथ ही कांग्रेस ने नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 6 जनवरी से आंदोलन करने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के वार पर पलटवार किया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस समर्थक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है। उन्होंने कहा कि हम साफ कर देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का महेश शाह जैसे किसी भी कारोबारी से कोई लेना देना नहीं है। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को हर माल अपना कहने की इतनी आदत हो गई है कि वो सभी को एक ही चश्मे से देखती है। नोटबंदी की सरकारी मियाद खत्म होने वाली है और इसके मद्देनजर अब विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमले और तेज कर दिए हैं। कांग्रेस ने आज पीएम मोदी और अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद गुस्साई बीजेपी ने गलत आरोपों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। देखते रहिए डीबी लाइव।